बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा चैप्टर पेनल्टीज की थर्ड वीडियो, ठीक है ना। तो पेनल्टीज पे पहले दो वीडियोस हम बना चुके हैं, उसमें हम 23 पॉइंट्स कवर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे 24th पॉइंट से। तो 24th पॉइंट हमारा है पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन और फॉर फर्निशिंग द इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। या तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी या फिर इन्फॉर्मेशन इनएक्यूरेट दी अंडर द सेक्शन 195, ठीक है। तो अगर ये वाला केस होता है कि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी या फिर इन्फॉर्मेशन दी बट वो गलत निकली, ठीक है ना, बाद में जब डिस्कवर किया गया तो वो गलत निकली, ठीक है ना। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी थी तो उस बेसिस पे हमने देखा कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो उस केस में कहते हैं कि असेसी जो है वो पनिशेबल होगा, असेसी पनिशेबल होगा विद द पेनल्टी ऑफ सम 1 लाख, ठीक है ना, अप टू द 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख रुपीज से उसे पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है ना, तो उसे वो पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो आगे 25th में हमारे पास पेनल्टी ऑन द फेलियर टू आंसर द क्वेश्चंस ऑफ द साइन स्टेटमेंट। तो इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई नोटिस भेजा गया या फिर कोई क्वेश्चनिंग की गई, ठीक है, ऑन द हियरिंग ऑफ द असेसी, ठीक है, या फिर किसी चीज़ पे साइन करने हैं, किसी रिपोर्ट पे साइन करने हैं, किसी बुक्स पे साइन करने हैं, वो साइन नहीं कर रहा, ठीक है ना, ही इज डिनाइड टू साइन ऑन सच स्टेटमेंट, ठीक है, देन द पेनल्टी विल बी इम्पोज ऑन सच असेसी एंड चार्ज्ड बाय द सच अथॉराइज्ड अथॉरिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं कि इन केस ऑफ द असेसी इज फाउंड द गिल्टी, ठीक है ना, तो जब वो गिल्टी में पाया जाता है तो उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी 10,000 फॉर द ईच सच डिफॉल्ट, ठीक है ना, हर एक उस डिफॉल्ट के लिए, चाहे उसने क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया, चाहे उसने साइन नहीं किए स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ रिगार्डिंग द सब्जेक्ट टू हिज असेसमेंट, ठीक है, तो वो बाउंड है, लीगली बाउंड है, ठीक है ना, वो पर्सन कौन, असेसी, ठीक है ना, जिसने अपनी असेसमेंट की या करवाई, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, ही रिफ्यूजेज टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चंस पुट कर रहे हैं कौन कर रहा है, अथॉरिटीज पुट कर रही है, ठीक है ना, जिस अथोराइज्ड अथॉरिटी के अंडर वो आता है वो अथॉरिटी क्या करेगी, क्वेश्चंस पुट करेगी, और अगर वो क्वेश्चंस का ट्रूली जवाब नहीं देगा, इफ ही रिफ्यूजेज टू आंसर द सच क्वेश्चंस देन ही विल बी पेनलाइज्ड विद द रुपीज ऑफ 10,000 फॉर द ईच डिफॉल्ट ही हैज डन, ठीक है। तो हर एक उस डिफॉल्ट के लिए उसे 10,000 की पेनल्टी लगेगी। तो आगे पॉइंट, अ पर्सन हु इज लीगली रिक्वायर्ड टू साइन एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम रिफ्यूजेज टू साइन, ठीक है, जब स्टेटमेंट बनाई तो उस पर साइन भी करो, अगर वो रिफ्यूजेज कर रहे, अगर वो मना करे कि मैं साइन नहीं करूंगा, ठीक है, तो उस केस में आ जाएगा। तो अ पर्सन टू होम द समन्स आर इश्यूड और टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द अदर एविडेंसिस, ठीक है, तो अगर समन इशू हो चुका है, ठीक है, कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अपनी प्रोड्यूस करो या फिर ये एविडेंसिस आप प्रोड्यूस करो, ठीक है ना, तो अगर वो डिनाई करे, ठीक है ना, इफ ही फेल्स टू डू सो, तो यहां पर लिखा है इफ ही फेल्स टू डू सो, ठीक है, अगर वो फेल हो गया इसका मतलब वो डिनाई कर रहा है या फिर उससे नहीं हो पा रहा, ठीक है ना, वो जानबूझ के नहीं कर रहा, ठीक है ना, तो इस केस में भी क्या होगा, पेनल्टी चार्ज की जाएगी। और फेल्स टू कंप्लाई विद द सेक्शन 142, 143 और फेल्स टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इश्यूड अंडर द सेक्शन 142 क्लोज 2A, ठीक है, तो यहाँ पर वो असेसमेंट नहीं सही से करवा पा रहा है, ठीक है ना, 142 में क्या है, असेसमेंट, ठीक है ना, तो असेसमेंट नहीं सही से करवा पा रहा क्योंकि असेसमेंट करेंगी अथॉरिटीज तो उसमें दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, तो अगर उनकी कोई प्रोविजन है उसको कंप्लाई नहीं कर रहा वो, तो उस केस में भी पेनल्टी चार्ज की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आगे हमारे पास 26 पॉइंट आता है, 26 पॉइंट में यहाँ पर कहते हैं फेलियर टू कंप्लाई विद द सर्टन नोटिसेस और टू फर्निश द सर्टन रिटर्न्स स्टेटमेंट्स और अलाउ द इंस्पेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे केसेस कहे गए हैं, जैसे कि नोटिसेस की बात की गई, रिटर्न्स की बात की गई, स्टेटमेंट्स की बात की गई और सर्टन इंस्पेक्शंस की बात की गई। तो ये है सेक्शन 272A क्लोज 2, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ द पर्सन फेल्स, अगर पर्सन फेल हो जाए, किस किस में फेल हो जाए, ठीक है ना, अगर वो फेल हो गया टू कंप्लाई विद द नोटिसेस इशूड अंडर सेक्शन 94 ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द असेसी, ठीक है, उसने जो सिक्योरिटीज अपने पास रखी हैं किसी भी कंपनी की या
चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी है चाहे प्राइवेट, ठीक है, तो उसका जो प्रूफ उसका उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो क्लियर करने जरूरी है, ठीक है ना। तो टू गिव अ नोटिस ऑफ द डिसकंटिन्यूस ऑफ द बिजनेस, ठीक है, अगर वो डिसकंटिन्यू कर रहा है अपने बिजनेस को अंडर द सेक्शन 176, तो गवर्नमेंट कहती है कि उसका आप प्रॉपर एक नोटिस अपनी अथॉरिटी, अपने प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, ठीक है ना, जो है उसको दो, ताकि पता चल सके कि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है। तो उस केस में अगर आपका कोई भी टैक्स बकाया है तो हम वो टैक्स उसी प्रीवियस ईयर में चार्ज करेंगे, ठीक है ना, हम असेसमेंट ईयर में नहीं जाएंगे, उसी प्रीवियस ईयर में चार्ज करेंगे, इसीलिए नोटिस देना जरूरी है। अगर आप नहीं दोगे, अगर आप फेल हो जाओगे तो आपको पेनल्टी लगेगी, ठीक है। टू फर्निश इन ड्यू टाइम द फॉलोइंग रिटर्न्स, तो ड्यू टाइम में ये रिटर्न्स, ठीक है ना, सारी भरनी जरूरी है, जैसे कि अंडर सेक्शन 133, तो स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन कॉल फॉर बाय द असेसिंग ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर ने जो स्टेटमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कहा, जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए कहा, वो आपको करनी है। अंडर सेक्शन 206, तो रिटर्न्स रिगार्डिंग द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो टीडीएस के केस में हमें रिटर्न भरनी है, तो वो है अंडर सेक्शन 206। तो अंडर सेक्शन 206 सी रिटर्न्स रिगार्डिंग द डिडक्शन ऑफ द टैक्स एट सोर्स इन केस ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द अल्कोहलिक लीकर, ठीक है ना, तो इसमें भी टीडीएस की है, बट इन केस ऑफ द प्रॉफिट फ्रॉम द अल्कोहलिक लीकर, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 285B स्टेटमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फिल्म्स, ठीक है, तो अलग अलग रिटर्न्स यहाँ पर रखी गई हैं अंडर द सेक्शन, ठीक है, तो उनको कंप्लाई करना जरूरी है, उनकी ड्यू डेट से पहले पहले भरना जरूरी है, ठीक है। तो आगे हमारे पास यहाँ पर डी पॉइंट टू अलाउ द इंस्पेक्शंस ऑफ एनी रजिस्टर और टू अलाउ द कॉपी बीइंग टेकन ऑफ एनी ऑफ दीज रजिस्टर्स, ठीक है ना, कि इंस्पेक्शंस को अलाउ करें, यहाँ पर इंस्पेक्शंस की बात की गई थी ऊपर, तो इंस्पेक्शंस को अलाउ करें, अगर कोई अथॉरिटी इंस्पेक्शन करती है तो उससे हम दिक्कत ना दें, ठीक है, जो भी चाहती है वो करें, जो भी प्रोविजन है वो माने, जो भी इंस्ट्रक्शन है वो माने, ठीक है ना, उसे कोऑपरेट करें, ठीक है ना, उसे कोऑपरेट करें, उस अथॉरिटी को कोऑपरेट करें, ठीक है ना, फिर ठीक है। तो अलाउ द इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन के लिए अलाउ करें, ठीक है, और अगर वो किसी रजिस्टर की कोई कॉपी मांग रही है तो उसके कॉपी भी करवा के दें, ठीक है। तो आगे टू फर्निश द रिटर्न ऑफ द इनकम बाय ट्रस्ट अंडर सेक्शन 139 क्लोज 4A, ठीक है, तो 139 के अंडर हमारी सारी रिटर्न आ जाएंगी, जैसे आईटीआर 123, ठीक है, ऐसे करके सारी आ जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू द इनकम और द अकॉर्डिंग टू द पर्सन वो चेंज होती रहती है, तो टू फर्निश द रिटर्न ऑफ द इनकम बाय द ट्रस्ट अंडर सेक्शन 139, ठीक है, तो उसमें वो रिटर्न भर दें। तो टू डिलीवर इन द ड्यू टाइम अ कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन रिसीव्ड फ्रॉम द असेसी फॉर नॉट डिडक्टिंग द टैक्स एट सोर्स, ठीक है, तो जो हमारे पास एक नोटिस आएगा असेसी की तरफ से कि आप मेरी इनकम में से ये TDS माइनस मत कीजिए, तो उसका नोटिस उसका डिक्लेरेशन फॉर्म का जो कॉपी होगा, तो वो कॉपी अथॉरिटी को देना जरूरी है, ताकि अथॉरिटी को पता चल सके कि किसी रीजन के कारण इन्होंने TDS नहीं कटवाया या फिर नहीं काटने दिया, ठीक है ना, तो वो रीजन क्या है वो पता चलना चाहिए, और इससे क्या होगा कि वो असेसी इनके ध्यान में भी आ जाएगा कि इसका TDS नहीं कटा, इसलिए इसने इनकम भरनी है, ये TDS का बेनिफिट नहीं ले सकता, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ उस अथॉरिटी के ध्यान में आ जाएगा, तो उसके लिए ये डिक्लेरेशन की कॉपी हमें उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को देनी होगी। टू फर्निश अ सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 203 रिगार्डिंग द टैक्स डिडक्टेड सोर्स, ठीक है ना, तो उसके रिगार्डिंग कोई भी सर्टिफिकेट, टू डिडक्ट एंड पे द टैक्स एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 226, ठीक है, तो 226 क्या कहता है, रिकवरी ऑफ टैक्स के बारे में कहता है, तो वो कहता है कि जो भी आपका टैक्स है, ठीक है, तो उसे जो भी आपने माइनस करना है, ठीक है, अथॉरिटीज ने आपको अलाउंस दे दी है कि आपका रिड्यूस कर रहा है, जो भी पेनल्टी रिड्यूस कर रहा है, जो भी इंटरेस्ट रिड्यूस कर रहा है, जो भी फीस रिड्यूस कर रहा है, उसके बाद जो आपने भरना है, ठीक है ना। तो टू फर्निश अ स्टेटमेंट ऑफ द पर्क्स गिवन टू द एम्प्लॉयज, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर ने उनको परक्विजिट दी है उसकी स्टेटमेंट एक दे दे, ठीक है ना, बना के। टू डिलीवर और कॉज टू बी डिलीवर इन द ड्यू टाइम अ कॉपी ऑफ द डिक्लेरेशन रेफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 206, तो वो सारी जो भी कॉपीज वगैरह उसने देनी है वो ड्यू टाइम में दे दे, ठीक है ना। तो ऐसे करके सारे ये, ठीक है, आपके पास बताए गए हैं 206 के सेक्शन, यहाँ पर 200 का सेक्शन, ठीक है ना, ऐसे करके सारे बताए गए हैं। जैसे कि हमारे पास टू डिलीवर और कॉज टू डिलीवर अ स्टेटमेंट विद इन द टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 200 क्लोज 2A और अंडर सेक्शन 206C क्लोज 3A, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स वगैरह डिलीवर करनी है, ठीक है, तो विद इन द टाइम हो जाए, ही शेल पे बाय द वे ऑफ द पेनल्टी ₹100 फॉर द एवरी डे ऑफ द डिफॉल्ट, तो ₹100 पर डे के हिसाब से
उसे क्या करना होगा, पेनल्टी पे करनी होगी, ठीक है ना। इन केस ऑफ द ऑफेंसेस फॉलिंग अंडर द ऊपर एफ में जो दिया गया है, ठीक है, ऊपर एफ में क्या दिया गया था, ऊपर ऊपर एफ में हमारे पास दिया गया था कि टीडीएस आपने नहीं काटना, उसकी डिक्लेरेशन कॉपी में आपको उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को देनी होगी, ठीक है ना। अब द पेनल्टी में भी लेविड बाय द चीफ कमिश्नर और द कमिश्नर, इस केस में चीफ कमिश्नर या फिर कमिश्नर ऑफ द इनकम टैक्स पेनल्टी चार्ज करेंगे, ठीक है। इन ऑल द अदर केसेज इट विल बी नॉट बी लेविड बाय एनी अथॉरिटी बिलो द रैंक ऑफ द ज्वाइंट कमिश्नर और द ज्वाइंट डायरेक्टर। तो इससे नीचे वाली कोई भी अथॉरिटी है जो लेवी नहीं करेगी, इसका मतलब इससे ऊपर वाली अथॉरिटीज लेवी कर सकती हैं, ठीक है ना। तो आगे यहाँ पर 27 पॉइंट में, फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ द अंडर सेक्शन 133B। तो 133B क्या है, ठीक है ना, ये सेक्शन हमें बताता है फॉर द एंट्री ऑफ फॉर द गिविंग पावर ठीक टू द अथॉरिटीज फॉर द एंट्री इन द बिल्डिंग, ठीक है ना। कि जब भी अथॉरिटीज को पावर दी गई कि आप किसी भी बिल्डिंग में जाके एंटर कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम वो नहीं करने दे रहे, अगर हम उनकी प्रोविजंस को नहीं मान रहे, उनको कंप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है ना, जो भी असेसी ऐसा करेगा उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। द पेनल्टी ऑफ द नॉन कंप्लायंस में एक्सटेंड्स अप टू द 1000। तो 1000 तक की पेनल्टी भरनी पड़ेगी। बिफोर लेविंग एनी पेनल्टी द असेसी मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर, ठीक है। ये पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट इन सारे पॉइंट्स में ही आ जाएगा, ठीक है ना। 272 सेक्शन मेनली इसी पे डिपेंड है कि आपको उस असेसी की बात सुननी पड़ेगी, ठीक है ना, कि आपने उसे क्यों नहीं एंटर करने दिया, ठीक है। कई बार कोई वैलिड रीजन होता है कि आपने उसे एंटर नहीं करने दिया, तो उसका सुना जाएगा असेसी का कि आपने क्यों नहीं एंटर करने दिया, इसके बाद ठीक है जो भी होगा वो देखा जाएगा। आगे 28 पॉइंट, फेलर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस अंडर द सेक्शन 139A, ठीक है, ये पैन रिलेटेड है। तो अगर आपके पास कोई पैन नंबर नहीं है, ठीक है ना, तो आपके लिए जरूरी है कि आप उस पैन नंबर को लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए पैन नंबर जरूरी है अगर आपने रिटर्न भरनी है। तो अगर आप उनकी प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं कर रहे, नहीं मान रहे, तो आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी 10,000 रुपए की, जो कि असेसिंग ऑफिसर चार्ज करेगा। तो यहां पर बी पॉइंट में कहते हैं कि अगर असेसी ने पैन नंबर तो कॉट किया, ठीक है, उसका नंबर कॉट किया, बट उसने गलत कर दिया, ठीक है, एक गलत इंफॉर्मेशन दे दी, गलत नंबर दे दिया, तो उस केस में भी उसे 10,000 की पेनल्टी लगेगी। बट केस वही है कि उस पर्सन की सबसे पहले सुनी जाएगी, द पर्सन हैव बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर, ठीक है ना, कि उसकी सुनी जाएगी, उसकी सुनवाई होगी, तो वो अथॉरिटीज देखेंगी कि वो क्या कह रहा है, ठीक है ना, उसकी सुनेंगी, फिर डिसीजन लेंगी। तो आगे हमारे पास पॉइंट 29, फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 203। तो इसमें कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है ना, वो सेक्शन 203A, ठीक है, उसे नहीं मान रहा, उसकी प्रोविजंस को नहीं मान रहा, तो ये सेक्शन किसके बारे में है, सेक्शन है अप्लाई फॉर द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अकाउंट नंबर, ठीक है ना। तो वो अकाउंट नंबर हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए एक पर्टिकुलर नंबर होगा, तो वो ट्रांजैक्शन नंबर आपको लेना होगा। तो ऐसे ही टीडीएस में एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए एक पर्टिकुलर नंबर, हर एक यूजर के लिए अपना नंबर, ठीक है ना, तो वो नंबर तो आपको लेना होगा, तो उसके लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप वो प्रोविजंस को नहीं मान रहे, उसके साथ कंप्लाई नहीं हो रहे, तो असेसिंग ऑफिसर शैल इम्पोज अ पेनल्टी विच मे बी इक्वल्स टू 10,000, ठीक है। यहाँ पर मेनली आपने देखा कि पेनल्टी 10,000 की है, तो आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, टू द असेसी ऑफ बीइंग हियर, ठीक है ना, तो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी असेसी को कि उसकी सुनवाई होगी, सुनवाई होने के बाद ही उसे पेनल्टी लगेगी, डिसीजन आएगा, फिर पेनल्टी लगेगी, उसके अलावा पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। तो फेलियर टू कॉट द टैक्स डिडक्टर और द कलेक्शन नंबर, वही आ गया कि आपने जो भी टैक्स डिडक्टर और कलेक्शन नंबर, ठीक है, क्योंकि टीडीएस टीसीएस का एक नंबर होगा, तो वो आपने कॉट किया होगा, ठीक है। अगर आपने वो नंबर किसी को दिया, किसी अथॉरिटी को दिया, किसी फॉर्म में भरा, और अगर वो फॉल्स है, ठीक है, अगर आपने वो इंफॉर्मेशन फॉल्स दे दी, तो क्या होगा, तो भी पेनल्टी वही 10,000 रुपए की चार्ज होगी, और आपकी सबसे पहले सुनवाई होगी, ठीक है।
तो वही सारा है, ठीक है। तो आगे 31st पॉइंट है हमारे पास, फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 206CA, ठीक है ना। तो टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर, ठीक है। तो अगर टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी कीजिए। अगर आप उन प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं कर रहे तो पेनल्टी 10,000 रुपए की, वही आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हियर, ठीक है ना। तो ये जो 272 का सेक्शन था, ये सेक्शन डिपेंड है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी ऑफ बींग हियर, ठीक है, एसएससी को, कि आपकी सुनवाई होगी और पेनल्टी है 10,000 रुपए की, ठीक है, अगर आपने कुछ गलत किया, ठीक है। गलत भी क्या किया, आपने पैन नंबर नहीं लिया, ठीक है, आपने जो एंट्री की रेस्ट्रिक्शंस होती हैं 133 सेक्शंस में, ठीक है, आपने जो एंट्री की प्रोविजंस होती हैं, एंट्री इन द बिल्डिंग बाय द एनी अथॉरिटी, ठीक है, आपने उसको नहीं माना, या फिर आपने पैन नंबर नहीं लिया, या फिर आपने टीडीएस का नंबर, टीसीएस का नंबर नहीं लिया, या फिर पैन गलत दे दिया, या फिर टीडीएस टीसीएस का नंबर गलत दे दिया, उसे गलत क्वाट कर दिया, तो उसके लिए 10,000 की पेनल्टी आपको लगेगी आफ्टर द गिविंग अपॉर्चुनिटी टू द असेसी ऑफ बींग हियर, ठीक है ना। उसकी सुनवाई होगी, फिर आपको पेनल्टी चार्ज की जाएगी 10,000 रुपए की, ठीक है। वो डिसीजन पास किया जाएगा किसके द्वारा, अथॉरिटीज के द्वारा, ठीक है ना, जो भी अथॉरिटी आपके मतलब कि जो मतलब कि आप किसी अथॉरिटी के अंडर हो, वो वाली अथॉरिटी, ठीक है ना, आपके ऊपर वो डिसीजन पास करेगी। तो आगे यहां पर सेक्शन है 273A, ठीक है। तो पावर टू रिड्यूस और वेव द पेनल्टी अंडर द सेक्शन 273A। तो यहाँ पर अथॉरिटीज कौन सी होंगी, अथॉरिटीज हैं प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर, ठीक है ना। तो इनके पास पावर, इनको पावर दी गई है बोर्ड के द्वारा, तो बोर्ड ने इनको पावर दी कि आप किसी की पेनल्टी को वेव कर सकते हो या फिर रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना, किसी भी अमाउंट तक तो रिड्यूस कर सकते हो। तो ये हो सकता है किसी भी केस में, अगर असेसी इज फेल टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स एंड द पर्टिकुलर्स ऑफ द इनकम, देन ऑल्सो द अथॉरिटीज कैन रिड्यूस और वेव द पेनल्टी, ठीक है। और इफ द authorities are satisfied with the all the facts and the information disclosed by the assessee, then he also given opportunity to the assessee to by reducing and waiving the whole amount, ठीक है, ऑफ द पेनल्टीज, ठीक है। तो पेनल्टी की सारी अमाउंट भी वेव की जा सकती है, ठीक है ना, डिस्पोज ऑफ की जा सकती है कि सारी पेनल्टी खत्म कर दी जाएगी, कि उससे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा, या फिर कुछ रिड्यूस करके चार्ज कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई इसमें। तो इसमें आगे यहाँ पर किस बेसिस पे वो वेव कर सकते हैं, कि अगर उनको लगेगा, ठीक है ना, कि कुछ अदर रीजंस, ठीक है ना, अदर रीजंस में आ जाएगा कि अगर उनको लगेगा कि जेन्युइन हार्डशिप असेसी पे है, ठीक है ना, कि असेसी जेन्युइन है, ठीक है ना, कि उस पे जो दबाव बनाया जा रहा है, जो पेनल्टी उससे चार्ज की जा रही है, उसके लिए वो भरना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो उस केस में वो पेनल्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर वो इसलिए कर सकते हैं कि जो असेसी है, ठीक है, वो प्रोसीडिंग्स में बिल्कुल पूरी तरह से कोऑपरेट कर रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल भी उसने कोई दिक्कत नहीं दी, सारी प्रोसीडिंग्स को अच्छे से माना, सारी प्रोविजंस को अच्छे से माना, ठीक है, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई उसको माना, तो उस केस में वो अथॉरिटीज खुश होकर उसकी पेनल्टी को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेनल्टीज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रोसिक्यूशंस का टॉपिक इसमें आएगा, जिसमें आएगा कि आपको अगर इम्प्रिजनमेंट होनी है तो इम्प्रिजनमेंट कितने टाइम के लिए होनी है, ठीक है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट वहाँ पर दी होगी, तो वो सारी प्रोसिक्यूशंस हम कवर करेंगे, 13-14 पॉइंट्स उसके हैं, ठीक है ना, तो वो अगली वाली वीडियो में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए शुक्रिया, तो अगली वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।